ठीक है सो एज यू कैन सी कि अगर मुझे ट्वेंटी फाइव बनाना है क्लियरली आई कैन टेक थ्री एट एंड फोर्टीन ठीक है सो एट प्लस थ्री इलेवन इलेवन प्लस फोर्टीन इजिकल टू ट्वेंटी फाइव तो ये मेरा ट्रिपलेट हो जाएगा जिसका सम ट्वेंटी फाइव निकल के आना है तो हाउ यू कैन फाइंड दैट सो एट दिस पॉइंट आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज दिस वीडियो ओवर हेयर ठीक है थिंक आउट ए सोल्यूशन एंड ओनली देन लुक एट माई सोल्यूशन ठीक है चलो सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ट्रिपलेट सम ठीक है तो इसको एक काम करते हैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करके सोचते हैं कि अगर हमको एक डबलेट सम का पूछा होता कि दो नंबर्स के सम को गिवन के बराबर करना होता लेट सेम एरिया एंड आई हैव टू फाइंड टू नंबर्स विच सम टू लेट सेवेंटीन हाउ आई कैन डू दैट सो ऑब्वियसली द फर्स्ट सोल्यूशन दैट कम्स टू माइंड इज कि हर पेयर को चेक कर लो ठीक है सिक्स और एट को चेक कर लो फिर सिक्स थ्री को चेक कर लो फिर सिक्स ट्वेल्थ को चेक कर लो फिर सिक्स फोर्टीन को चेक कर लो एंड सो ऑन ठीक है फिर एट के साथ सारे चेक कर लो एट थ्री एट ट्वेल्व एट फोर्टीन मतलब ऑब्वियसली वाट आएम सेंगे एक फॉर के अंदर एक फॉर लूप लगा लो नेस्टेड लूप लगा लो ठीक है बट ऑब्वियसली इन दैट केस क्या होगा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन स्क्वेयर हो जाएगी ठीक है ओ एन स्क्वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दो नंबर्स के सम को गिवन सम बराबर लाने के लिए ठीक है एंड ऑब्वियसली अगर मैं सेम प्रॉब्लम को ट्रिपलेट के लिए करता हूँ हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है तो उसमें ओ एन क्यूब हो जाएगी अगर मैं हर एक ट्रिपलेट को देखने जाऊंगा ठीक है फॉर के अंदर फोर के अंदर फॉर अगर मैं लगा लेता हूं तो ऑब्वियसली मेरी ओ एन क्यूब बन जाने वाली है बट ऑब्वियसली लेट्स से अभी हम लोग डबलेट वाले को ही देख रहे हैं डबलेट वाले में मैं क्या बोलता हूं कि रेदर देन डूइंग कि हर एक पेयर के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले पूरे एरे को शॉर्ट मार देते हैं ठीक है अब सोचने की कोशिश करना अगर मैंने पूरे एरे को शॉर्ट मार दिया तो क्या होगा सो ऑब्वियसली सॉर्ट होने के बाद इट वुड बी टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व फोर्टीन ठीक है तो हमारा इस तरह से हमारा शॉर्ट हो जाएगा नाउ आई एम इज टेक टू से एक को आगे से स्टार्ट कर दो लेट से एक को हमने यहां से स्टार्ट कर दिया आई एंड एक को पीछे से स्टार्ट कर दो जे ठीक है अब हमको क्या करना है बेसिकली आई पे जो रखा है और जे पे जो रखा है उनका सम करना है ठीक है जैसे टू प्लस फोर्टीन दैट इज गोइंग टू बी सिक्सटीन ठीक है एंड नाउ आई हैव टू कम्पेयर एट विद द गिवन सम मुझे सेवनटीन के साथ कम्पेयर करना है राइट right? तो अगर मेरा जो ये सम है कम निकल के आता है जैसे इस केस में हो रहा है सिक्सटीन इज लेस दैन सेवनटीन तो मुझे आई को एक आगे बढ़ा देना है एंड जे को वहीं पर रखना है बट लेट से अगर मेरा करते करते सम बड़ा आ जाता लेट से एटीन आ जाता इन दैट केस मैं आई को वहीं पर रखूँगा एंड जे को एक पीछे ले जाऊँगा ठीक है सो दिस इज द प्रोसेस एंड ऑब्वियसली अगर सम बराबर ही आ जाता है एग्जैक्ट सेवनटीन के बराबर आ जाता है तो स्ट्रेट वे वी कैन से कि हमें हमारे दो एलिमेंट्स मिल चुके हैं ठीक है तो so, ये हमारा जनरल प्रोसेस रहने वाला है सो so, यहां पे हम देख रहे हैं कि टू प्लस फोर्टीन करने से मेरे पास सिक्सटीन आया सो सिक्सटीन इज लेस देन सेवनटीन एंड मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा सो so, आई मेरा थ्री पे आ जाएगा ठीक है एंड अगेन मैं सम करूंगा सो थ्री प्लस फोर्टीन इज सेवनटीन एंड सेवेंटीन मेरा बराबर आ चुका है तो आई कैन से कि मुझे मेरे दो एलिमेंट्स मिल गए हैं दैट इज थ्री एंड फोर्टीन ठीक है 14, चलो एक काम करते हैं एग्जाम्पल चेंज करते हैं अगर मेरा यहाँ पे फिफ्टीन पूछा गया होता तो इन दैट केस क्या होता इन दैट केस मैं फिर से आई को यहां से स्टार्ट करता जे को यहां से स्टार्ट करता सो so, टू प्लस फोर्टीन इज गोइंग टू गिव मी सिक्सटीन नाउ सिक्सटीन इज ग्रेटर देन फिफ्टीन तो ऑब्वियसली अब हमको क्या करना है जे को पीछे लेके आना है ठीक है तो अब मेरा जे पीछे आ जाएगा रैदर देन आई आगे जाने के अब मेरा जे पीछे आएगा अगेन टू प्लस ट्वेल्व अब कितना हो गया अब मेरा फोर्टीन हो गया फिर से मैं कंपेयर करूंगा फिफ्टीन के साथ सिंस फोर्टीन इज लेस देन फिफ्टीन सो अब मेरा आई आगे बढ़ेगा ठीक है आई आगे बढ़ जाएगा ठीक है अब थ्री प्लस ट्वेल्व इज फिफ्टीन एंड फिफ्टीन ही हमको चाहिए था सो माई एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी थ्री एंड ट्वेल्व ठीक है एंड माई एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी थ्री एंड ट्वेल्थ तो बेसिकली ये हम एल्गोरिदम इसमें लगाएंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गया आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली अगर मुझे पहले से ही एक सॉटेड एरे मिल जाता उसमें मुझे डबलेट फाइन करना होता तो क्लियरली इट वुड हैव बीन ओ एन ठीक है क्लियरली ओ एन हो जाता बिकॉज वट आई एम डूइंग इज कि मैं आई को आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ जे को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एट एट ए टाइम मैं या तो एक को आगे बढ़ाता हूँ और एक को पीछे बढ़ाता हूँ ठीक है एंड ये काम हमको तब तक करते रहना है जब तक कि आई और जे मिल नहीं जाते ठीक है या तो वो आई और जे मिल नहीं जाते या फिर हमको हमारे वो दो एलिमेंट्स नहीं मिल जाते ठीक है तो मैक्सिमम हमारा जो पूरा एक बार स्कैन करना पड़ रहा है एरे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी ओ एन बट सिंस हमको हमारे एरे को सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी सो so सॉर्टिंग हमारा कम से कम ओ एन लॉग एन तो लेता ही है सो so बिकॉज ओन लॉग इन इज ग्रेटर दैन ओ एन सो फॉर दिस प्रॉब्लम दैट इज एक अनसॉर्टेड एरिए में से मुझे एक डबलेट निकालना है तो फॉर दैट इट इज गोइंग टू बी ओ एन लॉग इन राइट तो अभी हमने इतना देख लिया कि अगर मेरा एक अनसॉटेड एरे है उसमें मुझे डबलेट फाइन करना है विदिवन सम तो उसमें मुझे एन लॉग इन लगने वाला है ठीक है एंड ऑब्वियसली ये जो मेरा ओ एन लॉग इन है दिस इज मच बेटर देन ओ एन स्क्र ठीक है बिकॉज ओ एन स्क्वायर हमारा तब आ रहा था जब हम लोग हर एक पेयर को देख रहे थे बट अब हम लोग हर एक पेयर को नहीं देख रहे हैं सो so अब हमारा ओ एन लॉग एन में काम चल जा रहा है अगर हम पहले सॉर्ट कर लेते हैं ठीक है सो दिस इज द एलगोरिदम दैट वी आर गोइंग टू फॉलो राइट नाउ लेट्स गेट बैक टू आर ओरिजिनल प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग द ट्रिपलेट ठीक है तो ट्रिपलेट फाइंड करना है तो उसमें भी यही काम करेंगे सबसे पहले अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे ठीक है सो बेसिकली सेम प्रॉब्लम है सेम एरे है हमको इसमें ट्वेंटी फाइव सम लाना है तो वो टाइम सेंग इज़ कि पहले उसको पूरे को शॉर्ट मार दो शॉर्ट मारने के बाद क्या करो कि i को जीरो से स्टार्ट कर दो ठीक है जीरो थे इंडेक्स से i को स्टार्ट कर दो एंड इसको अभी थोड़ी देर के लिए फ़िक्स करके रख दो सो आई एम सेंग इज़ कि अब यहाँ पे मेरे पास टू है तो मुझे इस एरे में से एक डबलेट फाइंड करना है जिसका सम ट्वेंटी थ्री निकल के आए ठीक है एक डबलेट फाइंड करना है जिसका सम ट्वेंटी थ्री निकल के आए अब उसके लिए तो आई ऑलरेडी नो ठीक है आई ऑलरेडी नो कि मैं कैसे कर सकता हूँ मैं एक जे पॉइंट ले लूंगा यहाँ से एंड एक के पॉइंट ले लूंगा यहाँ से ठीक है एंड सिमिलरली अब मैं इसमें जैसे हमने पहले डबलेट के लिए किया था वैसे ही मैं या तो जे को आगे बढ़ाते रहूंगा या के को पीछे लाते रहूंगा एंड इवेंचुअली मुझे मेरा डबलेट मिल जाएगा जिसका सम 23 निकल के आएगा अगर ऐसा नहीं होता है अगर मुझे कोई भी मेरा डबलेट नहीं मिलता है तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैं टू को आगे बढ़ा दूंगा तो मेरा जो i है वो यहाँ पे आ जाएगा अब वो थ्री पे आ जाएगा i एंड अब मैं इस एरे में एक डबलेट फाइंड करने की कोशिश करूंगा जिसका सम ट्वेंटी टू निकल के आने वाला है ठीक है जिसका सम ट्वेंटी टू निकल के आने वाला है अगेन j और k लेना पड़ेगा ठीक है अगर मिल गया तो ठीक है नहीं तो i को फिर आगे बढ़ा देंगे ठीक है अब i को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे एंड ऑब्वियसली अब मुझे j एंड k यहाँ से स्टार्ट करना है ठीक है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डबलेट विथ सम्स टू ट्वेंटी वन ठीक है तो इस तरह से हमारी पूरी कहानी चलती जाएगी ठीक है चलो एक बार समझते हैं दोबारा से सो so, क्या करना है हमको पहले टू को फिक्स कर देना है ठीक है ये हमारा आई है ये हमारा जे होगा एंड ये हमारा के होगा ठीक है जे प्लस के हमारा सेवेंटीन आ रहा है क्या ये ट्वेंटी थ्री के बराबर है नहीं है ठीक है तो हम लोग फोर पे आ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है जे यहाँ से हट जाएगा जे यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब कितना आ रहा है सम अब एटीन आ रहा है एंड एटीन भी हमारा ट्वेंटी थ्री से कम है सो जे और आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी रहा है हमारा जो सम है विच इज़ अगेन लेस देन ट्वेंटी थ्री सो जे हमारा फर्दर आगे बढ़ जाएगा नाउ जे प्लस के इज ट्वेंटी टू विच इज़ स्टिल लेस ठीक है तो ऑब्वियसली हमारा जे और आगे बढ़ जाएगा नाउ द सम इज ट्वेंटी सिक्स विच इज ग्रेटर देन ट्वेंटी थ्री तो के को पीछे लाना पड़ेगा एंड जैसे ही हमारे जे एंड के मिल जाएंगे हम लोग रुक जाएंगे वहां पे ठीक है हम लोग सिंपली अब आई को आगे बढ़ाएंगे आई so, यहां पे आ जाएगा ठीक है जे यहां से स्टार्ट होगा के यहां से स्टार्ट होगा राइट नाउ फोर प्लस फोर्टीन ठीक है फोर प्लस फोरटीन कितना आएगा एटीन एंड ऑबियसली दिस टाइम माई रिक्वायर्ड सम शुड बी ट्वेंटी टू बिकॉज थ्री यहां से आ जाएगा एंड रिमेनिंग इज ट्वेंटी टू चलो ठीक है फोर प्लस फोर्टीन एटीन विच इज लेस देन ट्वेंटी टू तो जे को आगे बढ़ा देंगे नाउ द सम इजेंटी विच इज स्टिलस देन ट्वेंटी टू फर्दर आगे बढ़ेगा हमारा नाउ एट प्लस फोर्टीन गिव्स मी ट्वेंटी टू विच इज सेम एज दिस सो ऑब्वियसली माय ट्रिपलेट इज थ्री एट एंड फोर्टीन ठीक है चलो तो बेसिकली हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है अभी तो ऑब्वियसली सॉर्ट करने में तो हमें एन लॉग एन लगी थी लेकिन सॉर्ट करने के बाद उसके बाद के काम में कितने लग रही है हमको ओ स्क्वायर लग रही है क्यों बिकॉज हम लोग आई के ऊपर एक लूप चला रहे हैं राइट right? आई आगे आगे बढ़ते जा रहा है एंड फॉर एवरी आइट्रेशन ऑफ आई मुझे ओ एन चाहिए राइट डबलेट फाइन करने के लिए देखा था हमने ओ एन चाहिए सो ओ एन इन टू एन दैट इज ओ एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा ठीक है सिंस ओ एन स्क्वायर इज मोर देन एन लॉग एन सो ऑब्वियसली माई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ओ एन स्क्वायर सो ओ एन स्क्वायर इज गोइंग टू बी माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग सिंपल ट्रिपलेट्स फाइंड करते रहते मतलब हर एक ट्रिपलेट पे ऊपर काम करते तो क्या होता तो हमारी ओ एन क्यूब आ रही थी बट अब हमने ओ एन स्क्वायेर में वाला काम अचीव कर लिया ठीक है तो एक काम करते हैं अब जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं चलो सो सो आई हैव क्रिएटेड दिस सी पी पी फाइल ट्रिपलेट सम डॉट सी पी पी सो आई ओ स्ट्रीम इंक्लूड कर लिया हमने यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड लिख लिया ठीक है और इंट मेन फंक्शन हमने लिख, लिख लिया हमारा चलो तो so, अभी हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं बुलियन ट्रिपलेट सम तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा ये फंक्शन जब भी इसको ट्रिपलेट मिल जाएगा वो ट्रिपलेट को प्रिंट भी कर देगा एंड ये जो फंक्शन है रिटर्न भी कर देगा कि इसको ऐसा कोई एक ट्रिपलेट मिला था या नहीं मिला था राइट right? चलो सो वी विल बी गेटिंग एन एरे इंट एआरआर वी विल बी गेटिंग द साइज ऑफ द एरे लेट इट बी n एंड वी विल गेट द सम ठीक है जिसके बराबर वो ट्रिपलेट का सम आना चाहिए चलो ठीक है फर्स्ट स्टेप इज की हमको हमारे एरे को सॉर्ट करना है तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारा इन सी प्लस प्लस में सॉर्टिंग का फंक्शन है वो यूज कर रहा हूं एन ठीक, ठीक है तो हमको ये चीजें पास करनी पड़ती हैं सो so, एक तो वो एरे पास करना पड़ता है एंड ए आर आर प्लस वो जो साइज होता है एरे का वो पास करना होता है ठीक है फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन माइनस टू आई प्लस प्लस तो मैं एन माइनस टू क्यों ले रहा हूं बिकॉज वेरी क्लियरली जो मेरा i है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा जब मेरा i है वो मैक्सिमम मेरा यहाँ तक जा पाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ऑब्वियसली j और k यहाँ पे रहेंगे ठीक है अब मुझे i को फर्दर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट सो i मेरा सिर्फ यहीं तक जाएगा चलो और हमने डिसाइड किया था कि हमको दो वेरिएबल्स और चाहिए होंगे जे एंड के एंड जे के ठीक है जिसको हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे एंड वी ऑल्सो डिसाइडेड कि जो हमारा जे होगा वो स्टार्ट होगा आई प्लस वन से और जो हमारा के होगा वो हमारा पीछे से स्टार्ट होगा सो के इज गोइंग टू बी एन माइनस वन ठीक है साइज माइनस वन बी नाउ वी विल अप्लाई अ लूप वाइल जे इज लेस देन के ठीक है ये डिस्कस किया था हमने कि जब तक हमारे जे और के मिल नहीं जाते हैं हम लोग तब तक उस लूप को चला सकते हैं ठीक है सो वाइल जे इज लेस देन के And अब हम इसमें चेक कर लेंगे कि जो हमारे आई जे के है उनपे जो एलिमेंट रखे हुए हैं क्या उनका सम गिवन के बराबर आ रहा है इफ एरे आई प्लस एरे जे प्लस एरे के इजिकल टू समरली वी हैव फाउंड आर ट्रिपलेट एंड वी कैन प्रिंट इट आउट सो सी आउट ट्रिपलेट इज एआर ए आर आर जे ए आर आर के एंड लाइन ठीक है नाउ द अदर टू केसेस कि एक केस में अगर मेरा जो तीनों का सम कम आ जाए अगर ठीक है सो एल जस्ट राइट एल्स एफ अगर कम आ जाता है तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जे को आगे बढ़ा देंगे और अगर हमारा ज्यादा आ जाता है उसको मैं एल्स में डाल देता हूं सो दैट इज गोइंग टू बी के माइनस माइनस ऑल्सो इन दिस केस वी कैन रिटर्न ट्रू ठीक है कि हमें हमारा ट्रिपलेट मिल गया और अगर ये मेरा पूरा लूप चल गया और मुझे मेरा ट्रिपलेट नहीं मिला तो आई कैन क्लियरली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हेयर ठीक है चलो अभी जल्दी से इसको चला के देखते हैं सो लेट्स टेक एन एरे इंड ए आर आर सेम लेते हैं एग्जाम्पल सो सिक्स एट थ्री ट्वेल्व सिक्स एट थ्री ट्वेल्व फोर्टीन टू फोर फोरटीन टू फोर ट्रिपलेट सम्वायर्ड सम ट्वेंटी फाइव ठीक है चलो अब रंग करके देखते हैं सो दिपलेट इज थ्री एट एंड फोरटीन ठीक है जैसे कि हमने यहां पर निकाला था So, I hope the problem is clear and do subscribe the channel if you have not done it already because there are going to be plenty more videos coming soon. Thank you.